जय श्री राम मित्रों, आप लोग का वेलकम करता हूं फिर से एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं इस समय जो टेढ़ी बाजार से फ्लाईओवर बन रहा है उसका अपडेट दूंगा। ये देखिए आपको किस तरीके से यहां पर काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और यहां पर ही ये पार्किंग बनाई जा रही है, जो राम मंदिर आएंगे दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ पर गाड़ी उनकी पार्क हो जाएगी। तो इसका जो निर्माण है बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसका जो स्लोप है यहाँ पर बनाने का काम तेज़ी से चल रहा है ना, जैसा कि पीछे आपने देखा। और आगे रेलवे क्रॉसिंग बंद है और ये देखिए इस पर कलर भी हो चुके हैं, है ना, फ्लाईओवर के ऊपर कलर भी हो चुका है। और इसके सामने जो है एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसके सामने ये जो गेट बन रहा है ये अयोध्या रेलवे स्टेशन जाने के लिए बना हुआ है और इस पर जो है पत्थर लगाए जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। देखिए क्रॉसिंग बंद हो रही है, इसीलिए इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है ताकि यहाँ पर क्रॉसिंग की वजह से किसी का टाइम लॉस ना हो। तो ट्रेन चली जाए तब हम आगे का ब्लॉग शूट करते हैं। देखिए ट्रेन आ चुकी है और ये जा चुकी है। देखिए अब क्रॉसिंग खुलने वाला है, खुलने के बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू हम करते हैं। चलिए क्रॉसिंग भी खुल गई और दिखाते हैं आपको कितना ट्रैफिक होती है अयोध्या में। 5 मिनट के लिए क्रॉसिंग बंद हो जाए फिर देखिए आपको कितना पब्लिक आपको देखने को मिलती है। देखिए ये है अयोध्या। और ये बहुत ज़्यादा चलने वाला रोड भी नहीं है फिर भी आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रही है। इसीलिए इस फ्लाईओवर को यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि लोगों का समय ना खराब हो, है ना। पूरी पुलिस फोर्स अब अयोध्या में आ जाएगी क्योंकि आज जुलूस निकलने वाला है मुहर्रम का। ये चेक करिए फ्लाईओवर पर कितना काम चल रहा है, हो चुका है। बीच का काम बाकी है वो भी जल्दी हो जाए, ये भी फ्लाईओवर स्टार्टअप हो जाएगा, लोग ऊपर से फिर आने जाने लगेंगे, क्रॉसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल करके। आगे देखिए रोड बनाए जाएंगे, ये देखिए गिट्टियाँ बिछाने का काम शुरू हो गया, आगे आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा। और इस रोड को खोल दिया गया है आने जाने के लिए। अभी पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा ये बंद था पूरी तरीके से, और ये जेसीबी से लोग काम कैसे करते हैं चेक कर सकते हैं आप। और इधर भी जो स्लोप है उसका क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बने रहो इस ब्लॉग में। और ये जो दीवारें होती है साइड साइड में वो भी लगभग खड़ी हो चुकी हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, आपको देखने को मिल रहा है। और उसके साइड काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये देखिए यहाँ पर बालू वगैरह पड़ता है नीचे, ये चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर दीवार थी वो टूट चुकी हैं, बहुत बड़ी दीवार थी लगभग 12 फीट की। उसके बगल देखिए ये चेक करिए, यहाँ पर मशीन लगी हुई है, नालियों को बनाने का काम चल रहा है यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी नालियों का काम चल रहा है, आपको देखने को मिलेगा जोरों शोरों से, बहुत बड़ी नाली बनाई जा रही है साइड साइड में। देखिए पूरा आपको चौड़ाम देखने को मिल रहा है कि कितनी चौड़ी होगी रोड, ये आप देख सकते हैं। बीच में भी डिवाइडर बनेगा, है ना, इधर से जाने के लिए उधर से आने के लिए, डायरेक्ट ये भी जा करके राम मंदिर राम पथ को मिल जाएगा, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर जाने के लिए जितनी भी रोडें हैं उनको चौड़ा करने का काम चल रहा है अयोध्या में, और जल्दी हो जाएगा राम भगवान की दया से, और जितने भी राम भक्त हैं उनको आसानी होगी, किधर से भी आए राम मंदिर दर्शन करने के लिए कोई टेंशन नहीं होने वाली है उनको। ये देखिए ये है हल्का मक्खापुर चौराहा आपको देखने को मिल रहा है। और आगे तक मैं आपको अपडेट दूंगा कि रोड किस तरीके से चौड़े की जाएगी, गटर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ध्वस्तीकरण आप देख सकते हैं कि जो रोड से सटे मकान थे वो बिल्कुल टूट चुके हैं, आप इधर चेक करें चाहे इधर चेक करें, है ना, जितने
बड़े बड़े मकान थे सब टूट चुके हैं, आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए डंपर मशीन सब लगी हुई हैं काम करने के लिए, जल्दी ये भी रोड बनकर तैयार हो जाएगा। सारे डकर गटर खोल दिए हैं पता नहीं किस लिए। ये सामने आपको नेशनल हाईवे देखने को मिलेगा NH 27 जो गोरखपुर टू लखनऊ है ना, और यहाँ तक इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है गाइज आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चौड़ी हो जाएगी, तो आने जाने में लोगों को आसानी हो जाएगी। इस वीडियो में यहीं तक मैं आपको अपडेट देना चाहता था। ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।